हाय दोस्तों, मैं हूं आपके साथ तन्वी सूद। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बॉलीवुड स्टार्स आए दिन मोदी के फैसलों का समर्थन करते ही रहते हैं। वहीं हाल ही में स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी ने अपने भाषण में पानी की समस्या पर अपनी बात रखी थी। उनके इस भाषण ने करोड़ों लोगों का दिल जीत लिया। वहीं जाने माने डायरेक्टर शेखर कपूर ने भी पीएम मोदी के इस फैसले पर थम्स अप देते हुए शुक्रिया किया है। उन्होंने मोदी के इस भाषण की वीडियो शेयर करते हुए अपने ट्वीट में लिखा कि शुक्रिया पीएम मोदी, आपने पानी का मुद्दा उठाया। पानी के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए सभी को मिलकर पानी की समस्या को रिजोल्व करना चाहिए। इतना ही नहीं, शेखर ने एक और ट्वीट करते हुए लिखा, जो पानी की बूंद आप नल से टपका रहे हैं वो आपकी नहीं है, ये एक साधारण स्रोत है जो सभी के लिए है। जब आप पानी की एक भी बूंद को बर्बाद करते हैं तब आप किसी दूसरे के लिए स्रोत को बंद करते हैं। पानी जीवन है। नरेंद्र मोदी का शुक्रिया जिन्होंने इस मुद्दे को उठाया। वैसे देखा जाए तो शेखर कपूर आए दिन किसी न किसी वजह से चर्चा में बने ही रहते हैं। आपको याद ही होगा, हाल ही में उन्होंने मॉब लिंचिंग पर भी एक ट्वीट किया था जिसको लेकर बाद में काफी बवाल हुआ। वहीं आपको ये भी बता दें कि मिस्टर इंडिया, बैंडिट क्वीन जैसी हिट फिल्में देने वाले नेशनल अवार्ड विनर शेखर कपूर कई सालों से अपनी फिल्म पानी पर काम कर रहे हैं। उनका ये ड्रीम प्रोजेक्ट जल्द ही पूरा होने वाला है। इस फिल्म में वो सुशांत सिंह राजपूत को कास्ट करेंगे और जल्द ही इसकी अनाउंसमेंट भी कर देंगे। वेल, आपको क्या लगता है, शेखर ने जो भी अपने ट्वीट में कहा वो सही है या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और बॉलीवुड से जुड़ी तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए।